हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ प्रियंका। दोस्तों, आज मैं आईब्रो थ्रेडिंग आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ कि आप लोग किस तरीके से मेरी तरह घर बैठे आईब्रो कर सकते हो। दोस्तों, मैं एक छोटी सी जानकारी आप लोगों को दूंगी कि आप लोग अगर वैक्स यूज़ करते हो तो आज से ही वैक्स यूज़ करना बंद कर दो, क्योंकि वैक्सीन से आपकी जो स्किन है वो बहुत ही ज़्यादा रेडिश हो सकती है या तो फिर झुर्रियाँ पड़ सकती है एंड आपकी स्किन बहुत ही ज़्यादा पतला भी हो सकते हैं। स्किन रिलेटेड बहुत प्रॉब्लम आपको हो सकती है वैक्स यूज़ करने से। चाहे आप कोई भी वैक्स यूज़ करो, आप बॉडी पार्ट में यूज़ कर रहे हो एनफ है, आप इस फेस की स्किन पे बिल्कुल भी वैक्स यूज़ किया मत कीजिए। तो फिर थ्रेडिंग से आप किस तरीके से घर बैठे थ्रेड कर सकते हो अपनी आईब्रो को, अपनी फुल फेस थ्रेडिंग आप किस तरीके से कर सकते हो, तो इसी वीडियो को मैं आज शेयर करूँगी। तो वीडियो लास्ट तक देखिएगा। तो फिर चलिए मैं आपको बता दूँ कि थ्रेडिंग करने से आपको कौन कौन चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी। दोस्तों सबसे पहले आपको ज़रूरत पड़ेगी टैल्कम पाउडर। आप कोई भी टैल्कम पाउडर ले लीजिए, कोई भी ब्रांड की। मैं यहाँ पे वाइट टोन की यूज़ करूँगी। एंड नेक्स्ट जो चीज़ है वो है सीज़र, यानी कि कैंची। कैंची आपको ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि जो एक्स्ट्रा हेयर होता है उसको आप इस तरीके से कट कर सकते हो। एंड नेक्स्ट जो चीज़ है वो है थ्रेड। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है थ्रेड। दोस्तों, ये जो थ्रेड है ये घर की थ्रेड है, ये एक नॉर्मल थ्रेड है। ये कोई पार्लर में जो थ्रेड वो लोग यूज़ करते हैं, ये कोई वो थ्रेड नहीं है। दोस्तों, इस थ्रेड से भी आप अपनी आईब्रो को, आप अपनी फुल फेस एंड अपर लिप को आप थ्रेडिंग कर सकते हो बड़ी आसानी से। मैं आपको इसी वीडियो में दिखाऊंगी, बड़ी आसानी से आप इससे भी कर सकते हो। कोई ज़रूरत नहीं है कि पार्लर में जो थ्रेड वो लोग यूज़ करते हैं आपको वही थ्रेड लेना है। अगर आपके पास है तो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन आप इस थ्रेड से भी आप कर सकते हो। मैं इसी थ्रेड से करती हूँ। एंड ये जो थ्रेड है ये एक नॉर्मल धागा है, जिससे मुझे पेन थोड़ी सी कम होती है। पार्लर की जो धागे होते हैं उससे मुझे पेन थोड़ा ज़्यादा होता है, पता नहीं क्यों। एंड मेरी स्किन बहुत ज़्यादा कट भी जाते हैं, ब्लड भी निकलना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि मेरी स्किन बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है। तो फिर चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो दोस्तों, आप देख सकते हो मैं धागे को मैंने ले लिया है एंड मैंने इसे दो फोल्ड में फोल्ड किया है मैंने इसे। एंड मैं इसे अभी कैंची से कट करूँगी एंड देन इसकी जो एकदम लास्ट पॉइंट है इस पे मैं एक गीट तैयार करूँगी। आप गीट या कुछ भी बोलते हो वो मैं इसे अभी क्रिएट करूँगी। एंड आप देख सकते हो धागा कुछ इस तरीके से है एंड आपको इस तरीके से इसे जॉइन करना है। देन आपको लास्ट में धागे की यहाँ पे आपको इस तरीके से इसकी एक गिट करना है। एंड देन आप इस तरीके से धागे को खोल लीजिए एंड एक कट तैयार कर लीजिए। आप देख सकते हो मैं किस तरीके से कट तैयार कर रही हूँ, आपको कट नज़र आ रहा होगा। जी हाँ, इस तरीके से एक कट तैयार कर लीजिए। अब ये रेडी हो गया चलने के लिए। अब वीडियो पूरा देखिए, अब मैं वीडियो स्टार्ट कर रही हूँ। एंड नेक्स्ट जो स्टेप है वो है टैल्कम पाउडर की। तो मैंने थोड़ी सी टैल्कम पाउडर अपने हाथों में ले लिया है एंड मैं आईब्रोज में कुछ इस तरीके से इसे अप्लाई कर लूँगी। एंड मैं इस तरीके से अप्लाई कर लूँगी एंड मैं फोरहेड में भी इसे अप्लाई कर लूँगी। डरिएगा मत दोस्तों, मैं भूत जैसी लग रही हूँ। तो एंड मैं थोड़ी सी अपर लिप में भी लगा लूँगी।
दोस्तों टेलकम पाउडर इसलिए लगाना पड़ता है क्योंकि आपको पेन ज़्यादा ना हो एंड जो हेयर होते हैं स्किन के वो आसानी से निकल आए धागे के साथ. सो इसीलिए टेलकम पाउडर लगाया जाता है. मेरे तो सफ़ेद मूछे हो गए हैं. तो अब आप देख सकते हो मेरी कितना ज़्यादा हेयर हो गया है. सो, मैं इस तरीके से लूँगी. एंड इस तरीके से मैं ट्रीट करूँगी. सो दोस्तों धीरे धीरे चलाया कीजिए. ये पैट्रीज पे होता है. इस तरीके से तो आप देख सक रहे होंगे कि ये जो जगह है ये पूरा क्लियर हो गया. अब मैं इस जगह में करूँगी. थोड़ा सा तो दर्द होता है एंड कैमरा में करने से और भी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है. तो आपको इस तरीके से हेयर को खींच के धागे में लाना है. आप देख सकते हो. एंड आपको इस तरीके से चलाना है. आपको इस तरीके से लाना है एंड इस तरीके से चलाना है. एंड यहाँ पे भी सेम प्रोसेस आपको करना है. आपको इस तरीके से करना है एंड इस तरीके से आपको चलाना है. थोड़ी सी दर्द होगी दोस्तों. मुझे भी दर्द होता है, बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि ये सब तो चुभते ही हैं. एंड आप यहाँ पे देख सकते हो. अब यहाँ इस तरीके से कर सकते हो. सो अब मैं अपर लिप में करके दिखा रही हूँ आपको. आपको कुछ इस तरीके से ट्रेड को बिठाना है एंड इस तरीके से चलाना है. एंड अदर साइड इस तरीके से आपको बिठाना है एंड इस तरीके से चलाना है. एंड आपको अगर फेशियल हेयर को रिमूव करना है तो आप इस तरीके से कर सकते हो. इस तरीके से कर सकते हो. सो दोस्तों आपने देखा कि मैंने किस तरीके से थ्रेड किया अपने आईब्रो को. एंड ये बहुत ही ज़्यादा सेव हो गए हैं. एंड आप भी इस तरीके से घर में थ्रेडिंग कर सकते हो. अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो तो फिर एक लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा कि मेरी वीडियो आपको कैसी लगी है. एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल एंड बेल आइकन को ज़रूर हिट कर दीजिएगा. मैं मिल दूँ आपके साथ फिर एक नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए बाय बाय एंड खुश रहिएगा दोस्तों.